19,39,59,25,000 से ज़्यादा राम नाम हमारे यहाँ इस समय एकत्रित है। कि शत्रुघ्न सिन्हा की माता जी को जो है संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, नहीं सेकंड टाइम जब जिन लोग आए थे तो उस समय सोनाक्षी जो है उस गोदी में थी। देखिए ऐसा है ना कि राम रमापति बैंक की स्थापना हमारे परदादा जी दास छन्नूलाल जी के द्वारा हुई। उनको जो है बड़े धार्मिक विचार के थे, उनको देवी जी का इष्ट भी था और जो है वो सुबह 3:30-4 बजे नित्य दर्शन जो है और गंगा स्नान करने जाते रहे। साधु संगत के आदमी थे तो उनको जो है एक हिमालय के जो है बाबा सतराम दास थे उनसे मुलाकात भई। तो बाबा जी बोले कि बेटा तेरे चेहरे पे कुछ मैं ऐसा देखता हूँ कि जगत की भलाई के लिए तेरे हाथ से कुछ काम होना है। तो उन्होंने ही प्रेरणा दी और उन्होंने ही नियम बैठ करके बनाया और कहा कि इसका कोई बोर्ड बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसका प्रचार खुद जो है अपने आप होगा, भक्तों से ही भक्तों के द्वारा होगा। तो आज तो मीडिया का ज़माना है, चलिए लोगों को पता लगता रहता है, लेकिन अभी तक जो है आपने आज भी देखा होगा कि राम रमापति बैंक का कोई बोर्ड बाहर लगा नहीं। रामनवमी के उत्सव के दौरान जो है 10 दिन जरूर लगा दिया जाता है कि भक्त लोग आते हैं तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये यहाँ अंदर जाना है। तो जो है अच्छा, दूसरी बात ये कि रह गई बात ये कि लाखों लाखों भक्त हैं इस जो है राम रमापति बैंक के, और विश्व भर में हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर गांव नहीं है जहां से लोग जो है इस राम रमापति बैंक से नहीं जुड़े हैं। पता लगता है साहब कि लोग आते हैं कहते हैं कि हम लोग जो है अपनी दादी के संग आते थे, और उनकी उम्र कितनी है बोले पता लगा 60 साल की। तो कहने का तात्पर्य वो बताते हैं कि हम लोग जो है बोले 70-80 बरस से हमारा पूरा परिवार जो है बोले प्रभु के से जुड़ा हुआ है। तो क्या है कि लोग जो है अरे ऐसी ऐसी घटना होती है। एक बार की घटना बताते हैं आपको, एक जो है बॉम्बे की घटना है। एक लड़का जो है बाइक से जा रहा था और बगल से ट्रक निकली और जो सिकड़ लटकता है वो सिकड़ जो था उसकी बाइक में फंस गया और उसको घीचते घीचते कई माइल तक खींच के ले गया। एक जब ड्राइवर को दिखा कि कोई चीज़ घसीटती हुई जा रही है तो उसने रोका, लेकिन उस समय तक उस लड़के की हालत इतनी गंभीर इतनी ख़राब हो चुकी थी कि जिस समय बॉम्बे हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया, घर वाले ले करके गए, तो डॉक्टरों ने कहा कि बस इसके प्राण हैं और तो सब कुछ जो है इसका जो है वो बहुत ही हालत उसकी नाजुक है। तो उनको उस समय कुछ समझ में नहीं आया, बस उनको ये समझ में आया कि रामलला जी के जो है उन लोग भक्त रहे, उनको रामलला जी की रोली जो है यहाँ पे जो राम राम जो 1,25,00,000 दिया जाता है जब पूरा हो जाता है तो मंत्रों द्वारा रोली चढ़ाई जाती है, ये यहाँ का महाप्रसाद है। और सबसे पहले जो है जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी राशि से या उनके नाम से एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, जिस दिन उनसे एक फॉर्म भराया जाता है। इस फॉर्म को भरने से पहले एक नियम की पुस्तक होती है जिनको उनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो भी बैंक में भक्त जुड़ रहे हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस मदिरा हो गए, किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो या कहीं बच्चा पैदा हो तो ऐसी जगह का अशुद्ध भोजन नहीं करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है झूठा खाना नहीं खाना है, जैसे एक थाली में दो लोग बैठ के खाना खा लेते हो खाना झूठा होता है, तो इस टाइप से खाने को अवॉइड करके इन सारी चीज़ों का परहेज करते हुए आपको जो है रामनाम लिखना होता है। कागज़ स्याही कलम दबान सब चीज़ बैंक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, किसी भी चीज़ का कोई भी चार्जेस नहीं है। सवेरे स्नान करके सबसे प्रथम कार्य राम नाम लेखन का करना है, उसके बाद आपकी जैसे डेली नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही है वो वैसे ही चलती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब वो राम नाम पूरा हो जाता है मतलब 8 महीने 10 दिन का अनुष्ठान कम्प्लीट हो जाता है तो वो विधिवत पूजन करके हमारे यहाँ जमा हो जाता है। अभी तो कितने राम नाम, इस समय रामनवमी से पहले हमारे यहाँ काउंटिंग होती है 19,39,59,25,000 से ज़्यादा राम नाम हमारे यहाँ इस समय एकत्रित हैं। कौन फिर अभिनेता की बात की जाए तो यहाँ उनके परिवार के भी लोग आते हैं,
कोई किसी के बच्चे नहीं हो सकते। हाँ, ये हमारे यहाँ के सबसे फेमस स्टोरी में से एक है कि शत्रुघ्न सिन्हा की माता जी को जो है संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो घाट पे जो है एक बाबा जी उनको मिले, जिन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बेटा गली के अंदर राम रमापति बैंक है, वहाँ चली जाओ, राम नाम लिखो तो तुम्हारी मनोरथ जरूर पूर्ण होगी। उस समय हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तो उनसे जो है उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनको राम नाम का लोन दिया लिखने के लिए। जब उनका पहली बार जो है राम नाम पूरा हुआ तो उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। ऐसे ही करते करते उन्होंने चार बार राम नाम लिखा और उनको चार पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा है। तो फिल्म स्टार जो शत्रुघ्न सिन्हा है, ये उनकी स्टोरी है। उनकी बेटी भी की कोई कहानी यहाँ? हाँ, ऐसा है कि ये लोग यहाँ पे कई बार आ चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम जब इन लोग आए, नहीं सेकंड टाइम जब इन लोग आए थे, तो उस समय सोनाक्षी जो है उस गोदी में थी उन लोग के। तो इन लोग जो है, अब जैसे इन्होंने अपने घर का नाम रामायण रखा हुआ है, इनके दो बच्चे हुए जैसे लव कुश, तो वो भी जो है प्रभु की ही देन है।